हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हो विनय टेक। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक का न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट के बारे में फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक जो है अपना न्यू एफडी रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या है नया फिक्स डिपॉजिट रेट और क्या इंटरेस्ट रेट करेंटली प्रोवाइड कर रहा है पंजाब नेशनल बैंक अपने कस्टमर को, मैं आप लोगों को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक ऑफिशियल वेबसाइट में। तो रिसेंटली पंजाब नेशनल बैंक ने न्यू फिक्स डिपॉजिट रेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाना और इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा इंटरेस्ट रेट, तो उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट बल्क डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट लोन एंड एडवांसेस और इंटरेस्ट रेट NRI। तो मैं आप लोग को बताऊंगा इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। तो हम लोग आ चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक का इंटरेस्ट रेट का वेब पेज में। तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगा इंटरेस्ट रेट सेविंग बैंक डिपॉजिट के बारे में, सेविंग अकाउंट में कितना आप लोग को मिलेगा, फिर मैं आप लोग को डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेविंग बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना है और इधर आप लोग देख सकते हो सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग जो पहले था 4/4/2022 से था और रिवाइज जो है 1 January 2023 से रिवाइज किया गया है। बिलो 10 लाख जो है 2.70 दोनों केस में सेम है और 10 लाख to 100 करोड़ सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और 100 करोड़ एंड अबव जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया गया है from 2.75% to 3%, ठीक है। तो चलिए अभी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो ₹2 करोड़ इंटरेस्ट रेट रिवाइज विथ इफेक्टिव फ्रॉम 18 May 2023 से इफेक्टिव है। उसी तरह 2 करोड़ एंड अबव के लिए भी 18 May 2023 से इफेक्टिव है। मैं आप लोग को बताऊंगा बिलो ₹2 करोड़ के बारे में, आप लोग एक बार देख सकते हो ₹2 करोड़ एंड अबव, ठीक है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डोमेस्टिक और NRO फिक्स डिपॉजिट स्कीम पीरियड एग्जिस्टिंग रेट फॉर पब्लिक विथ इफेक्टिव फ्रॉम 22/2023 से इफेक्टिव था पहले और अभी जो है 18 मई से ये इफेक्टिव है, ठीक है, रिवाइज रेट। उसी तरह फॉर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में एग्जिस्टिंग और रिवाइज सीनियर सिटीजन केस में, ठीक है, और सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 ईयर्स के अबव है, ठीक है, और रिवाइज रेट सुपर सीनियर सिटीजन ये भी 18 मई 2023 से इफेक्टिव है। 7 से 14 डेज 3.50 पहले था और अभी भी सेम है फॉर नॉर्मल सिटीजन, और सीनियर सिटीजन केस में भी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और एग्जिस्टिंग रेट जो है और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 4.30, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और 15 से 29 डेज 3.50 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है फॉर नॉर्मल पब्लिक, और सीनियर सिटीजन केस में 4% यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है सीनियर सिटीजन, और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 4.30 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। 30 से 45 डेज 3.50 फॉर नॉर्मल पब्लिक, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, और 4% जो है यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, और सुपर सीनियर सिटीजन केस में भी 4.30 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। 46 से 90 डेज 4.50 सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है फॉर नॉर्मल पब्लिक, और सीनियर सिटीजन केस में 5% यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है सीनियर, और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 5.30 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और 91 से 179 डेज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है, 4.50 चल रहा है, ठीक है, और सीनियर सिटीजन केस में 5% और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 5.30 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और उसी तरह 180 से 270 डेज 5.50 सेम है, ठीक है, और 6% सीनियर सिटीजन केस में और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.30 नो चेंजेस। 271 डेज से लेस देन 1 ईयर जो है 5.80 सेम है, नॉर्मल पब्लिक सीनियर सिटीजन केस में 6.30 सेम है, और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 6.60 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और 1 ईयर में देख सकते हो आप लोग 6.80 है यहाँ पे भी सेम है, और 7.30 सीनियर केस में नो चेंजेस, और सुपर सीनियर केस में 7.60 यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है। और उसी तरह 443 डेज तक ये कंटिन्यू हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और 444 डेज का स्कीम जो है इसमें आप लोग देख सकते हो 6.80 पहले था, अभी जो है 7.25 कर दिया गया है, इंक्रीमेंट कर दिया गया है फॉर नॉर्मल पब्लिक, और सीनियर सिटीजन केस में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 7.30 था पहले और अभी जो है 7.75% कर दिया गया है, और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.60 पहले था और अभी जो है 8.05% कर दिया गया है। और उसी तरह 445 डेज टू 665 डेज ये भी सेम है, नो चेंजेस। और 666 डेज आप लोग देख सकते हो 7.25 पहले था और अभी जो है 7.05 कर दिया गया है, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन केस में 7.75 था पहले और अभी जो है 7.55 कर दिया गया है, और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 8.05 पहले था और अभी जो है 7.85 कर दिया गया है, ठीक है। और 667 डेज टू 2 ईयर जो है इसमें भी सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और अबव 2 ईयर एंड अप टू 3 ईयर आप लोग देख सकते हो इसमें भी सेम है, 7% दोनों केस में फॉर नॉर्मल पब्लिक, और सीनियर सिटीजन केस में 7.50 और सुपर सीनियर सिटीजन केस में 7.80। अबव 3 ईयर अप टू 5 ईयर जो है 6.50, नो चेंजेस
फॉर नॉर्मल पब्लिक और सीनियर सिटीजन कैश में 7%, नो चेंजेस फॉर सीनियर सिटीजन कैश में 7.30, नो चेंजेस फॉर सुपर सीनियर सिटीजन कैश, ठीक है। और अबव 5 ईयर अप टू 10 ईयर जो है 6.50 सेम है, ठीक है। और अबव 5 ईयर एंड अप टू 10 ईयर जो है सेम है, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और आप लोग देख सकते हो 444 डेज में चेंजेस हुआ है और 666 डेज में चेंजेस हुआ है, और बाकी जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, इंटरेस्ट रेट है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो जो कि इफेक्टिव है फ्रॉम 18 मई 2023 से। तो अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो देन डेफिनेटली आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। और सुपर सीनियर सिटीजन केस में आप लोग को 8.05 मिल रहा है जो कि हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और नॉर्मल सिटीजन केस में भी आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा जो कि 7.25 है, और सीनियर सिटीजन केस में 7.75% है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का एफडी रेट के बारे में पीएनबी का। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल, प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।